नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने ले जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल वाटन। इसके लिए हमें चाहिए दो बड़े साइज़ के हमें ब्याज लेने हैं, एक बड़ा बाउल भर के सूखा नारियल। उसके बाद हमें ऑयल लेना है, चार लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक लेना है। खड़े मसाले में मैंने 3 लौंग ली है, 7 काली मिर्च ली है और 1 दालचीनी ली है। तवा गरम हो गया है, इसमें अब हम सूखा नारियल डालेंगे जो 1 बाउल लिया था। वाटन बनाते टाइम एक हमें ध्यान रखना है कि हमें सूखा नारियल ज़्यादा लेना है और प्याज उससे कम लेना है। अगर हम प्याज ज़्यादा लेंगे तो वाटन मीठा टेस्ट करेगा। ये वाटन को हम कोई भी पल्सेस वाली सब्ज़ी, चिकन, मटन किसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सूखा नारियल हमें अच्छे से भून के लेना है। ये देखिए, हमारा सूखा नारियल अच्छे से भून गया है। अभी हम इसको निकाल के लेंगे बाउल में। अभी हम सेम तवे में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें हमने जो प्याज लिया था वो प्याज हम डालेंगे। प्याज को पकने में थोड़ा टाइम जाता है तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तो हमारा प्याज जल्दी पकेगा। वाटन को हमें स्टोर कैसे करना है? डीप फ्रीज में ये वाटन 15 दिन तक अच्छा रहता है, एयरटाइट कंटेनर डब्बे में, और फ्रीज में ये 5 दिन तक अच्छा रहता है। प्याज को ये कलर आने के बाद इसमें हमें जो हमने गार्लिक और अदरक लिया था वो डालना है और उसे भी भुनना है हमें। वाटन अच्छे से भुन गया है, बस यही कलर हमें लाना है। ये देखिए, इसको भी हम अभी बाउल में निकाल के लेंगे। अभी जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो हम लेंगे। खड़े मसाले जो है सिर्फ उसका अरोमा निकलने तक ही हमें भूनने हैं। ज़्यादा हम भूनेंगे तो उसमें से कड़वा टेस्ट आएगा। मिश्रण को हमें मिक्सर जार में लेना है और कम से कम पानी में हमें इसको पीस के लेना है। वाटन हमारा पीस के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।